ये है तीन खूबसूरत वाटरफॉल, नंबर वन, नंबर टू और एक वो ये रहा नंबर थ्री। यहाँ पर पेड़ बहुत सारे हैं, इस चक्कर में आपको क्लियर व्यू नहीं आ पा रहा है, लेकिन देख कोशिश करूँगा नीचे जाके इनका व्यू लेने की, पर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से देखो आप, लुक एट द व्यू, एक साथ तीन वाटरफॉल और वो भी बहुत बड़े बड़े। अभी हमने कर लिया घर तांगली, वापस आ गए जैसे तैसे, तो मतलब मैं जैसे तैसे तुम तो ठीक ही है। और अब जा रहे हैं हम गंगोत्री की तरफ, गंगोत्री में चक्कर मार के आते हैं। भाई चाय वगैरह मिलेगी यहाँ पे, मिल जाएगी? अच्छा, बनमस का भी है क्या? खाने में है कुछ? नहीं नहीं खाना नहीं, मतलब वैसे कुछ। एक जगह टॉयलेट कैंप निकालने की जरूरत पड़ गई, काफी सही चीज है ये। अभी हम पहुंच गए हैं गंगोत्री, अभी सब कुछ बंद है, जहां कभी किसी टाइम पे ज़बरदस्त रौनक हुआ करती है, यहां पे निकलने की भी जगह नहीं होती है। आज वो जगह बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है, सारी दुकानें एकदम बंद हैं, पर एक चीज़ है जो नहीं बदली है, वो है गंगा। गंगा हर टाइम पे ऐसे ही बहती रहती है, यहाँ पे लोग आते हैं चले जाते हैं, यात्रा स्टार्ट होती है ये फिर से भर जाता है, यात्रा ख़त्म होती है गंगोत्री फिर से खाली हो जाता है। आप देख रहे हो कि जितने भी गेस्ट हाउस हैं, जो भी दुकानें हैं, बिल्कुल बंद है। ऐसा लग रहा है कि शायद गब्बर आने वाला है, उसके डर से पूरा गांव छुप गया है। ये दो बोतलें लेके जा रहे हैं हम, यहाँ से भर लेंगे इसमें गंगा जल, क्योंकि जो शुद्धता, जो प्योरिटी यहाँ पे है, वो प्योरिटी आपको नीचे नहीं मिलती गंगा जल में। मतलब गंगा का पानी हम ही लोग जो है प्रदूषित कर देते हैं, नीचे तक जाते जाते गंगा को मैली कर देते हैं। तो यहाँ पे जो प्योरिटी है गंगा के पानी में, उसकी बात ही अलग है। वो भर लेते हैं 3-4 लीटर पानी। तो जी आ गया रास्ता, सीधे जाएंगे तो मंदिर पहुंच जाएंगे, और इधर के रास्ते जाएंगे तो ये रास्ता जाता है सूर्यकुंड। यहाँ से पुल पार करके आप सूर्यकुंड की तरफ जा सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्या बेहतरीन है गंगा, कितनी सुंदर लग रही गंगा है, आप देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत। एक टाइम पे इस गली में बहुत जबरदस्त भीड़ रहती होगी ना, चहल पहल, भीड़ भाड़।
है मुख्य मंदिर गंगोत्री माता का, और ये गंगोत्री धाम का प्रांगण। मंदिर हर साल दिवाली पे बंद हो जाता है और अगले साल अक्षय तृतीया के दिन दोबारा ओपन होता है। तो तब तक यहाँ जो शांति होती है वो किसी भी डिविनिटी से बिल्कुल कम नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है प्रकृति का संगीत। मुझे सबसे सही टाइम यही लगता है यहाँ आने का, एकदम खाली, कोई भीड़ भाड़ नहीं। हालांकि इस टाइम गंगा में डुबकी लगाने का मतलब है पाप और पापी दोनों से मुक्ति, लेकिन अपने को थोड़ी लगानी डुबकी, क्या चिंता, बोतल में भर लो गंगा जल, बस इतना ही स्पर्श काफी है अपने लिए। बस ये ना भागीरथी नदी है, गंगा ये बनती है देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद, लेकिन मैथोलॉजी के अनुसार गंगा यहाँ धरती पे उतरी थी शिव जी की जटाओं से, और चूंकि ये सब हुआ था भागीरथ की तपस्या से, तो यहाँ गंगा को भागीरथी बोलते हैं, ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। ये गंगा जल भरने में बहुत ठंडा है यार, देख इसको। और एक्चुअल में जहां से गंगा निकलती है, जो गंगा का स्रोत है, जहां जो सोर्स है, वो है गोमुख ग्लेशियर, जो यहां से लगभग 19 किलोमीटर और आगे है, ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो यहां पर ये टेंपल है, तो इसलिए ये धाम है गंगोत्री धाम, यहाँ लोग आते हैं, और एक्चुअल में समझ सकते हैं कि गंगा यहीं से आम लोगों के लिए स्टार्ट होती है। इतनी तेज आवाज आ रही ना गंगा की, पूरा खाली पड़ा है, सब सूना पड़ा है। सूर्यकुंड है यहाँ पे, तो मुझे उसका रास्ता मिला नहीं। मैं पिछली बार जब आया था तो इसी रास्ते पे कहीं था, ये ब्रिज से दिखता था शायद, पर अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि सब कुछ तो बंद पड़ा हुआ है। खैर, वो एक मेरी वीडियो है यूट्यूब पे ऑलरेडी, धराली की और हर्षिल की, उसमें वो है सूर्यकुंड। यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो गया ना, ये देखो, ये आपको वीडियो में बर्फ जमी हुई दिख रही होगी पत्थरों पे, तो बस कभी भी यहाँ पे जो है स्नोफॉल हो सकती है, जिस दिन मौसम ख़राब हुआ भयंकर वाली स्नोफॉल हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है। एक्चुअली सूर्यकुंड का रास्ता मैं भूल गया, वो वहाँ ऊपर से नहीं नीचे से जाके था कहीं, उसका कट बाद में दिखा मुझे। और ये है हर्षिल का हेलीपैड, और ये हमारी S4, और ये पीछे बर्फ से ढकी चोटियाँ। और इसी के साथ हो गया दिन समाप्त, हर्षिल वापस पहुंच गए हैं, और कल दिखाएंगे आपको हर्षिल की खूबसूरती। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय।